हेलो फैमिली, मैं हूं वरुण कुमार गुप्ता और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं 2 BHK अपार्टमेंट 1817 का कारपेट। प्लीज अंदर आ जाइए, मैं आपको दिखाता हूं ये सारी अपार्टमेंट कैसी होने वाली है। एग्जैक्टली मैं इसको क्लोज करता हूं, आपको ऐसी डोर मिलने वाली है एंट्रेंस पे जो आपने देखा अभी। क्वालिटी बहुत अच्छी है, डिजिटल लॉक मिलने वाला है। इसके अंदर जैसे आप आते हो तो ये है आपकी लॉबी स्पेस, आपके फ्लैट की एंट्रेंस लॉबी। एग्जैक्टली जितनी साइज होगी मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा। साइज अच्छी है तो यहाँ पे मल्टीपल चीजें आप कर सकते हो, लाइक यू नो शूरेक बना सकते हो, सामने मिरर लगा सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट भी आपको वहीं पे मिल जाती है लॉबी के अंदर, ठीक है। एंड जैसे अंदर आते हैं तो ये है आपकी सिर्फ यहाँ तक लिविंग स्पेस, लाइक दिस, यहाँ तक आपकी लिविंग स्पेस है। यहाँ पे आप आराम से, एक आपकी सोफा आ जाएगी, बीच में सेंटर टेबल, सामने टेलीविजन यूनिट, और ये अपार्टमेंट के साथ आपको मिलने वाला है होम ऑटोमेशन सिस्टम। एंड जैसे मैं आप जिस भी वॉशरूम में जाऊंगा तो आप देखेंगे कि जाने के बाद वो लाइट ऑन हो रही है, यानी मोशन सेंसर लाइट्स भी है यहाँ पे। तो बेसिकली ये है आपकी लिविंग स्पेस। एंड यहाँ पे आ जाती है आपकी डाइनिंग स्पेस, ये पूरी आपकी डाइनिंग स्पेस है। यहाँ तक आपकी लिविंग हो गई और ये है आपकी डाइनिंग स्पेस। एग्जैक्टली यहाँ पे अगर मैं डाइनिंग की बात बताऊं तो लगभग 4 से 6 लोगों की डाइनिंग स्पेस आपकी इजिली बन जाएगी, ठीक है। तो इसकी साइज मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा। नाउ अब मैं दिखाता हूँ आपका अटैच बालकनी, प्लीज कम। जैसे आप बालकनी में आते हैं तो बालकनी में आने पर आपको दिखाई ये देख रहे होंगे आप कि 3 ट्रैक में आपको डोर मिल जा रही है, 2 ट्रैक में ग्लास डोर, 1 मॉस्किटो मैस। एंड ये है आपकी इनक्लोज बालकनी, ऊपर से इनक्लोज रहने वाला है तो प्राइवेसी का प्रॉब्लम नहीं होगा, साइज भी इनफ है। आराम से यहाँ पे 5 से 6 जो आपके जो फ्रेंड्स फैमिली आके इकट्ठे बात वगैरह कर सकते हैं। आपकी ये जो टफन ग्लास आती है लगभग 12 mm की टफन ग्लास है, ठीक है, तो क्वालिटी काफी अच्छी है। इस तरीके से आपकी रेलिंग आ रही है तो बाहर से दिखने में लुक काफी प्रीमियम आता है। तो इसकी एग्जैक्टली साइज मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा, आप देख सकते हैं। आप लिविंग में आपने देखा था, लिविंग में आपको मिल जाती है वेंटिलेशन पर्पज से भी आपको विंडोज, 2 ट्रैक में नीचे वाला एजिटिक्स रहेगा, ऊपर वाला मूव कर सकते हो एज पर योर वेंटिलेशन। नाउ अब मैं दिखाता हूं आपका किचन स्पेस, प्लीज कम। अब जैसे आते हो ये है आपकी किचन स्पेस, आपको एक मिल जाती है पैरेलल, एक प्लेटफॉर्म मिल जाती है, चौड़ाई जिसकी काफी अच्छी है, सिंगल प्लेटफॉर्म है, चौड़ाई अच्छी है, कलर अच्छे लग रहे हैं, तो एक डिसेंट कलर है। नीचे आप जो देख रहे हो बेसिकली यहाँ पे आप क्लोज कैबिनेट्स बना सकते हैं। जो अपार्टमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ एग्जैक्टली ऐसा ही अपार्टमेंट आपको मिलने वाला है। और ये जो स्पेस आप देख रहे हैं यहाँ पे आ जाएगी आपकी रेफ्रिजरेटर के लिए स्पेस। एग्जैक्टली इसकी साइज मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा, आप देख सकते हैं। इसके साथ आ रही है आपकी यूटिलिटी सेक्शन जिसको हम लोग कहते हैं ड्राई बालकनी भी, बट ड्राई बालकनी में जैसे आप आ रहे हो ना तो ये डोर आपको ऐसी डोर मिलेगी। यहाँ पे कोई स्लाइडिंग डोर नहीं है, क्वालिटी काफी अच्छी, प्रीमियम लुक देगा आपके अपार्टमेंट को। और इस तरीके की साइज है यहाँ पे, आपको मैं बताऊं तो यहाँ पे भी एक सिंक आपको दी जा रही है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे सिंक यूज करते हो, गंदे बर्तन आपके हैं तो आप यहाँ पे यूज कर लो, क्योंकि एक सिंक आपको अंदर भी मिल रही है, ठीक है। तो साइज इसकी एग्जैक्टली मैं स्क्रीन पे दे दूंगा। यहाँ पे आ जाएगी आपकी वॉशिंग मशीन, क्लॉथ हैंगर और वेंटिलेशन पर्पज से ये रहेगा आपका, ठीक है। इसकी साइज मैं आपको स्क्रीन पे देता हूँ, आइए। अब चलते हैं आपके बेडरूम की तरफ, बट ये है आपका बेसिकली सेंटर ऑफ द अपार्टमेंट। इसके आगे आते हो तो यहाँ पे आपको मिल रही है आपकी वॉश बेसिन, यहाँ पे आपको एक स्लैब मिल गया है तो नीचे इस तरीके से आप स्टोरेज बना सकते हो। अभी बनाया नहीं गया है, बेसिकली ऐसा ही अपार्टमेंट आपको मिलने वाला है, बट आपको नीचे स्पेस मिल रहा है तो स्टोरेज बना सकते हैं। अब जैसे आगे की ओर आते हैं तो ये है बेसिकली आपका पैसेज एरिया, ठीक है। एंड पैसेज के लेफ्ट हैंड साइड में मैं दिखाऊं तो ये है आपका बेडरूम नंबर 1, प्लीज कम। 817 का कारपेट है, 2 BHK का अच्छा खासा कारपेट है। बेसिकली अब जो कारपेट बन रहे हैं 650, 700, 750 उससे काफी बेटर है। साइज बेडरूम नंबर 1 है, ये आपका अच्छी खासी साइज है, जैसा टाइल्स देख रहे हैं वैसा ही मिलेगा। ये आपका नीच स्पेस है, बेसिकली इसको मैं डिस्क्राइब करना चाहता हूँ, आपका जो फ्लोर प्लान है ना यहीं तक है, आपका जो प्लान स्क्रीन पे दे रहा हूँ यहीं तक है। तो ये आपको एक एक्स्ट्रा स्पेस आप समझ लो जो प्लान के अंदर नहीं है, यहाँ पे आप बना सकते हो आपका वार्डरोब। एंड सेम यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ना तो यहाँ पे आ जाती है आपकी सेम इस तरीके से आ रही है, तो ये भी आपका एक नीच एरिया ही हो जाता है। नीचे भी आपको जो स्टोरेज बना सकते हो स्पेस है, क्योंकि डेप्थ भी अच्छी खासी है, लगभग 1 फुट की डेप्थ है। ये आपकी वेंटिलेशन पर्पज से आपकी विंडोज आ रही है, नीचे वाला एज इट इज रहेगा, ऊपर वाला मूव कर सकते हो एज पर योर वेंटिलेशन। 3 ट्रैक में है, 2 ट्रैक में ग्लास डोर, 1 मॉस्किटो मैस। एंड यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि होम ऑटोमेशन मिलेगा और मोशन सेंसर लाइट्स मिलेंगे जो आप देख सकते हैं। आइए
इसके सामने आ रही है आपकी कॉमन वॉशरूम, ऑलरेडी आपने वॉश बेसिन बाहर देख लिया है बट यहाँ पे अंदर भी आपको वॉश बेसिन मिल रहा है विच इज वेरी गुड। यहाँ पे कोलार की ब्रांड की आपकी वॉश बेसिन आ रही है, फिटिंग्स आ रही है आपकी ग्रोए की, एक स्लैब बन रही है तो नीचे स्टोरेज बन जाएगा, ये है आपकी कमोड एंड ये है आपकी शावर सेक्शन। यहाँ पे भी आपको वेट एंड ड्राई एरिया अलग किया गया है तो काफी एक अच्छी चीजें हैं, अच्छी प्लानिंग है इनकी। ऊपर तक आपको टाइल्स मिल रहे हैं, ठीक है, ये काफी ज्यादा अच्छी है, अदरवाइज टाइल्स नीचे तक रहते हैं तो जब भी आप शावर लेते हो तो आपका जो वॉल है ना वो काफी वेट होते रहता है, ठीक है, इसकी वजह से उसमें दरारें आने चालू होते हैं बट ऊपर तक है तो यहाँ पे नहीं आएंगी। आइए, आपने बेडरूम नंबर 1 देखा, नाउ जैसे कॉमन वॉशरूम से निकलते हैं ये है आपका बेडरूम नंबर 2। ये आपको मिल रहा है मास्टर बालकनी के साथ, तो 2 बालकनी इस बेडरूम में, सॉरी इस अपार्टमेंट में 2 BHK में आपको मिल रहा है 2 बालकनी 2 बेडरूम के साथ, काफी अच्छी। अब मैं रूम की बात बताऊं तो ये है आपका सेकंड बेडरूम, बेसिकली इसको आप बना सकते हो मास्टर बेडरूम, ठीक है। साइज बहुत अच्छी है, होम ऑटोमेशन आपको यहाँ पे मिल रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं, स्मार्ट स्विचेस के साथ मिल रहे हैं, नीचे टाइल की क्वालिटी बहुत अच्छी है, चौड़ाई काफी अच्छी है, फ्लोर टू सीलिंग हाइट बहुत अच्छी है, यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो लगभग 10 फुट के आसपास की है, कई जगह आप काफी कम करते जा रहे हैं लोग 10.9, 9.29, ठीक है, तो डिपेंड करता है, यहाँ पे अच्छी मुझे लग रही है। अगर मैं डोर की बात भी बताऊँ तो डोर की जो लेंथ है बेसिकली लेंथ काफी अच्छी है, क्रॉस वेंटिलेशन के ऊपर से यहाँ पे आपको विंडो दे दी गई है तो क्रॉस वेंटिलेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वेंटिलेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बेसिकली इस साइड में अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे आ रही है आपकी मास्टर बालकनी, तो मास्टर बालकनी से भी आपको वेंटिलेशन काफी अच्छी मिलेगी। अगर आप मास्टर बालकनी में आते हो तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 ट्रैक में डोर है, 2 ट्रैक में ग्लास डोर, 1 मॉस्किटो मैच के साथ, ये है आपकी मास्टर बालकनी। प्लीज कम, तो ऊपर से इनक्लोज है, प्राइवेसी का प्रॉब्लम नहीं होगा, साइज अच्छी है, आपका मास्टर बेडरूम में मास्टर बालकनी मिल रहा है विच इज वेरी गुड। अगर मैं टफन ग्लास की बात बताऊं तो लगभग 12 mm का टफन ग्लास आपको मिल रहा है, आपको बाहर से फीलिंग काफी अच्छी दिखने वाली है। एग्जैक्टली इसकी साइज कितनी रहेगी मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा। नाउ अब चलते हैं अटैच वॉशरूम में। आइए, अब जैसे आता हूँ ये है आपका अटैच वॉशरूम, बट वॉशरूम में आने से पहले मैं आपको डोर की क्वालिटी बताऊं, मुझे काफी अच्छी लग रही है, अगर आप 2 BHK अपार्टमेंट देख रहे हो तो आके आपको चेकआउट करना चाहिए प्लीज का। जैसे आप अंदर आते हैं तो आपको मिल जाती है वॉश बेसिन कोलार की, फिटिंग सारी आपकी ग्रोहे की है, एक स्लैब मिल जा रही है तो नीचे स्टोरेज बन जाएगा, ये है आपकी कमोड स्पेस एंड ये है आपका शावर सेक्शन। शावर अगर मैं सारी फिटिंग्स की बात बताऊं तो सारी फिटिंग्स ग्रोहे की है, आपका यहाँ पे भी वेट एंड ड्राई एरिया अलग कर दिया गया है, साइज काफी अच्छी है और एक मुझे साइज प्लानिंग बहुत अच्छी लगी, जहां पे जो चीजें देनी है वैसी इन्होंने दी है, ठीक है। तो ये अगर आप 2 BHK अपार्टमेंट देख रहे हैं ना तो ये अपार्टमेंट आके आपको विजिट करना चाहिए। 817 का कारपेट है, 81 लाख रुपीज में मिल रहा है। देखो फ्लैट लेना, बड़ा छोटा लेना, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी ले सकते हो, बट फ्लैट के अंदर जो आपको चीजें मिल रही है ना वो भी अच्छी होनी चाहिए, टाइल्स अच्छे होने चाहिए, फिटिंग्स अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। होम ऑटोमेशन आप देखने जाओ आज अगर आप करने जाते हो तो 1-1.5 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है, ठीक है, तो ये सारी चीजें करके मिल रही है। तो ये एक पैकेज डील है, प्री लॉन्च प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छी डील है, स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहे हैं, जाओ कॉल करो, मैं मिलता हूँ साइट विजिट पे, अगर आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आता है तो कॉल करिए, मैं विजिट कराता हूँ, स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।